तो मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन ये है कि आयुष मिनिस्ट्री और आयुष जो क्षेत्र है उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, उसके बारे में थोड़ा हमें जानकारी दें। देखिए, बहुत अरविंद शर्मा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और मेरे मन में था कि इस प्रकार का प्रश्न आपके तरफ से आया है। मैं 95-96 से सूर्य फाउंडेशन के माध्यम से इस नेचुरोपैथी योग चिकित्सा पद्धति के प्रचार प्रसार के कार्य से जुड़ा हूँ और आज मुझे बड़ी खुशी होती है। और उस समय यानी 95-96 में मेरे मार्गदर्शक जयप्रकाश अग्रवाल जी कहा करते थे, बेटा एक दिन नेचुरोपैथी योग का मंत्रालय बनेगा। ऐसा 20 साल पहले वो पब्लिकली हमारे ट्रेनिंग में या जहां पर भी नेचुरोपैथी योग का कॉन्फ्रेंस होता है या कुछ वर्कशॉप होता है उसके दौरान वो पब्लिकली ये बात बोला करते थे। उस समय हमें थोड़ा भी कुछ ऐसा आइडिया नहीं था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और उस समय वो कहा करते थे। और मैं उस समय देखता था ये हमारा नेचुरोपैथी योग भारत सरकार का एक छोटा सा भाग था स्वास्थ्य मंत्रालय का, और उसमें नेचुरोपैथी योग के लिए, मुझे पता है नेचुरोपैथी योग के लिए पूज्य आचार्य जी एक केवल एक छोटा सा कैबिन, मेरे आपकी भी आचार्य जी की मुलाकात निर्माण भवन में हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर ही हुई थी लगभग 15 साल पहले। मुख्य बैठक हमारी वहां पर हुई थी और उस समय एक टेबल पर नेचुरोपैथी योग के एक ऑफिसर रहा करते थे और देश का काम चलता था। आज हमें बड़ी खुशी है, पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण आप उचार करके देखिए, हर व्यक्ति गर्व करता है इस काम के लिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण योग दिवस मना तो केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में जितने कंट्री है उस सब कंट्री में और योग का अभ्यास करते हैं। योग का महत्व, भारत की परंपरा, धरोधर, इसके बारे में जानकारी इस योग के माध्यम से हुआ। और मुझे बड़ी खुशी है जब ये इस सिस्टम का नाम इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, और ये शब्द, ये सेंटेंस बोलते समय कहीं पर भी योग और नेचुरोपैथी का नाम नहीं था, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। और आम जनता की भाषा में अगर बात करें, योग और प्राकृतिक चिकित्सा का नाम कहीं आता ही नहीं था। तो हमने सुझाव दिए थे उस समय कि आदरणीय जयप्रकाश जी भी थे और तब माननीय अटल जी की सरकार थी, उस समय सुषमा जी अपने स्वास्थ्य मंत्री थे, उस समय इसका नाम बदलकर कि भाई एटलीस्ट देश को, जनता को, पब्लिक को पता चले कि योग नेचुरोपैथी भी कोई सिस्टम है और उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी होना चाहिए। तो तब जाके ए स्टैंड फॉर आयुर्वेदा, वाई स्टैंड फॉर योग एंड नेचुरोपैथी, देन होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा वगैरह वगैरह, ये सभी। तो सब लोगों को खुशी हुई कि अटल जी ने आयुष डिपार्टमेंट बनाया। देखो कितना गर्व होता है, उनके शिष्य या उनके फॉलोअर आज उस काम को भाई नरेंद्र मोदी जी इस लेवल तक लेके आए। जो माननीय अटल जी का विजन जो भी होगा उनके मन में, योग नेचुरोपैथी के, अटल जी भी हमारे कई प्रोग्राम में आए हैं, योग नेचुरोपैथी को लेकर जब वो प्रधानमंत्री थे, पहली बार बने थे, तब कई बार हमारी बैठक लोकसभा के अंदर भी, संसद भवन में भी, ऐसे बाहर भी कार्यक्रमों में हम गए हैं, वो भी आए कार्यक्रम में। लेकिन उनकी जो विजन था, उस समय नरेंद्र भाई मोदी जी मुख्यमंत्री भी नहीं थे और उस समय नेचुरोपैथी का जो उनका विजन था, मुझे याद आता है कि 21वीं सदी में योग और प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत बड़ा कुछ एक स्टेटमेंट उन्होंने हमारे सामने दिया था। और नेचुरोपैथी योग की बात करते समय अटल जी बड़े हंसते हुए बात करते थे कि भाई आप नेचुरोपैथी वाले क्या बात है, आप साल्ट को जहर बोलते हो, चीनी को भी जहर बोलते हो, फाइव वाइट पॉइजन ऐसा हम बोलते थे। तो उस बात के ऊपर वो हमारे हंसते हुए इस प्रकार की बातें करते थे। और मुझे बड़ा बहुत बड़ी खुशी होती है जो 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 विजन
माननीय अटल जी का था, और उस विजन को इतने स्पीड से, देखो एक काम, हर काम अच्छा काम बोलते बहुत लोग हैं लेकिन प्रैक्टिकली करने में बहुत समय लगता है। और आज स्वतंत्र आयुष मंत्रालय बना, स्वतंत्र नेशनल आयुष मिशन बना, और उसके अलावा योग दिवस की घोषणा हो, नेचुरोपैथी दिवस की घोषणा हो, योग नेचुरोपैथी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड का गठन हो, या जो भी सिस्टम में काम करा। और बड़ी खुशी होती है मुझे कि आज आयुष मंत्रालय में डॉक्टर राजेश कोटोचा जी जो आयुर्वेद के डॉक्टर है, यानी जो व्यक्ति सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, वो व्यक्ति इस डिपार्टमेंट को हेड होना चाहिए, और इसीलिए डॉक्टर राजेश भाई कोटोचा जी को सेक्रेटरी बनाया है। उनको कोई ना कोई लक्ष्य दिए होंगे कि देश में योग नेचुरोपैथी और ट्रेडिशनल मेडिसिन है, यानी पारंपरिक चिकित्सा है, केवल योग नेचुरोपैथी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो भी भारतीय परंपरा के अनुसार चिकित्सा होती है तो उस चिकित्सा का प्रचार प्रसार होना चाहिए और इसका पॉलिसी लेवल पर काम होना चाहिए। इस दिशा में अभी भारत सरकार एक पार्लियामेंट के अंदर आने वाले दिनों में बिल भी लेके आ रही है, एक विधिवत कानून बनाने की संकल्पना वो कर रही है। और मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए कि योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड सरकार ने बनाया है, अभी कानून आने के पहले जितना जितना हो सकता है वो सरकार प्रयास कर रही है। योग सर्टिफिकेशन बोर्ड के तर्ज पर नेचुरोपैथी सर्टिफिकेशन बोर्ड की भी घोषणा हुई है, और सूर्य फाउंडेशन को नेचुरोपैथी सर्टिफिकेशन बोर्ड का एक पीआरसी भी मिला है, जिसके माध्यम से हम पूरे देश में योग क्षेत्र में जो भी डिग्री डिप्लोमा या जो भी कोर्स किए हैं उनको सर्टिफाई करने के लिए एक बोर्ड बना है। पूरे देश भर के लोग उस सर्टिफिकेशन बोर्ड के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, एंट्रेंस जैसा देके, और जिस तर्ज पर वो योग के लगभग, मुझे बड़ी खुशी है आप सभी के सामने शेयर करने के लिए। और पिछले साल ही मुझे सरकार ने बोला था कि सर्टिफिकेशन बोर्ड का काम आप करिए,